कैसे मतलब सोचा कि कचौड़ी बनानी है बेचनी है? मेरे नौकरी का तो कभी सोचा ही नहीं था, खुद का काम करना था। कैसी लगती है परोसन भाई कचौड़ी? एक नंबर कचौड़ी, बढ़िया। गाइस गुड मॉर्निंग, राम राम सर सभी को, खंभा गणी सर, राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। तो गाइस मैं आया हूँ कि एक ऐसी जगह जहाँ कुछ ही समय में वो बहुत हो गए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध अपने खाने की वजह से। उन्होंने बनाई ऐसी कचौड़ियाँ कि आज वहाँ पर भीड़ लगी रहती है और वो भीड़ ख़त्म नहीं होती लेकिन सामान ख़त्म हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बताता हूँ लोकेशन। तो भाई ये है रोशन कचौड़ी वाले, पीछे माल लगा है, यहाँ पे ये भैया बेच रहे हैं। लोकेशन बताता हूँ, ये है नया आबाद सर्किल और ये है पेट्रोल पम्प हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, इसके सामने इनकी शॉप है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। आपको बस स्टैंड से बताता हूँ, ये जो डिस्टेंस है ये लगभग 2 किलोमीटर है, रेलवे स्टेशन से भी लगभग 2 किलोमीटर है। तो चलिए बात करते हैं रोशन भाई से। रोशन भाई कैसे हो? बढ़िया सर। तो कितना टाइम हो गया भैया काम स्टार्ट किया? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए? अच्छा अच्छा, तो कैसा चल रहा है अभी? बढ़िया बिल्कुल भैया, ऊपर वाले कृपा है। तो ये पहला काम है आपकी लाइफ का? हाँ जी, पहला काम है आपकी लाइफ का? हाँ जी। कैसे मतलब सोचा कि कचौड़ी बनानी है बेचनी है? मेरे नौकरी का तो कभी सोचा ही नहीं था, खुद का काम करना था। तो ये काम कहाँ सीखा आपने? ये काम हमारे उस्ताद जी हैं, उनसे सीखा था। नाम बताना चाहोगे? नाम तो गुप्त रहने दे उनका। गुप्त रहने दे? हाँ जी बिल्कुल। तो कितना टाइम काम किया उस्ताद जी के साथ? 4 दिन। 4 दिन बिल्कुल। और 4 दिन में काम सीख गए? जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर अपना लगाया? आठ अपनी पैक। टाइम इतना मतलब बिजी, उसके बाद फिर अपना लगाया? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो अभी आप कितने लोग काम करते हो? अभी तो 3 लेबर है। अच्छा। और एक मैं हूँ। तो मेन सर्व आप करते हो हैं? सिर्फ कचौड़ी बेचते हो आप? हाँ जी बिल्कुल कचौड़ी। तो कचौड़ी में मतलब क्या क्या मिलाते हो, क्या किसके साथ देते हो? कड़ी के साथ? बिल्कुल, कड़ी है, चटनी है, उसमें नींबू डाल के। ये आपकी कड़ी है? हाँ जी हाँ जी। इसमें आलू वगैरह थोड़ा होता है? नहीं आलू नहीं डालते हैं। और इसमें क्या क्या होता है ये जो आपका है? ये चटनी अमचूर की बनती है, कच्चे आम की। कच्चे आम की? हाँ जी। बस ये उसी की बनती है, और क्या मिलाते हो आप इसमें? इसमें वही डालते हैं और मसाले डालते हैं। मसाले खुद के बनाए होंगे? नहीं खुद का तो क्या, ये मार्केट से आते हैं सारे मसाले। तो मिक्स करने की क्वांटिटी कैसे है, ये सब चीज़ें? ये सब चीज़ें बिल्कुल। ओके, तो कितनी कचौड़ी? भैया एक मिनट दो लो। 5। तो भैया डेली के टाइमिंग क्या रहती है आपकी? है जी। सुबह कितने बजे आ जाते हो? सुबह भी आने को तो 5:30-5 बजे आ जाते हैं। 6 बजे माल तैयार हो जाता है, बिकना मतलब 6 बजे हो जाता है। और कितने बजे तक हो जाता है समाप्त? समाप्त 12:30-1 बजे तक। अच्छा अच्छा, तो लगभग कितनी कचौड़ियाँ बन जाती हैं इस बीच में? भैया कभी क्या है काम, कभी हमने हिसाब करके नहीं करा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक फिक्स करके लाते हो? हाँ। अच्छा ये बता दो कड़ी कितनी उड़ जाती है? कड़ी भी है, ये 2 टंकी है और 1 टंकी उड़ाती है। ऐसी 2 टंकी है? हाँ जी। और 1 टंकी उड़ाती है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, 8 क्या बात है। यहाँ पीछे बन रही है, 8 कौन की अपनी कौन की पैक है, और पीछे ये भैया बना रहे हैं यहाँ पर कचौड़ियाँ। और इसमें आचर में क्या क्या मिला होता भैया? इसमें सर बेसन मिली होती है, छोले की दाल डाली जाती है। अच्छा, बाकी थोड़े गरम मसाले, नमक वगैरह स्वाद अनुसार ये सब डाल के इसको बनाया जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये मैदा की होती है? हाँ सर, ये मैदा के अंदर इसको फील किया जाता है। अच्छा, तो ये लोहे तोड़ लेते हो आप मैदा से और फिर उसमें भर भर के ऐसे डालते हो? मैदा थोड़ी सिरप हो जाता है और उसके बाद देखो क्या प्रोसेस चलता है। ये भैया कचौड़ी बनाने का काम करते हैं, ऐसे धीरे धीरे डालते हैं। ये तेल कौन सा यूज़ करते हैं अपन? रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। ओके, तो ये कंटिन्यूसली काम चलता रहता है अपना? ओके, क्या बात है, चलो काम करो। तो अभी कुछ और कितनी देर में तैयार, एक बार में कितनी कचौड़ियाँ बना देते हो भैया? नहीं मतलब एक बार कढ़ाई में कितनी कचौड़ी बन जाती है और कितना टाइम लग जाता है बनने में? 15-20 मिनट। ओके, तो ये काम चलता रहता है, सही है। और वहाँ पीछे कढ़ी बन रही है, वो गर्म हो रही है। अच्छा, वो गर्म करते रहते हो आप। तो ये कढ़ी बनाने का प्रयास कितने बजे बनाने लग जाता है कढ़ी? 4 बजे। क्या बात है, चलो क्या बात है। भैया खा रहे हैं कचौड़ी, कैसी लगी भैया आपने? बहुत अच्छी लगी, काफ़ी दिन से खाते हैं। काफ़ी दिन से खाते हो, तो ये ब्रेकफास्ट जो है आपका यही होता है? चलो इन्जॉय कीजिए आप, खाइए। तो ये भी कचौड़ी खा रहे हैं, कैसी लगती है आपको इनकी कचौड़ी? बढ़िया बढ़िया। कितने टाइम से खा रहे हो? कई दिन होगा खाते रहते हो। और भैया आपको कैसी लगती है? एकदम बढ़िया। चलो खाइए खाइए, इन्जॉय कीजिए आप।
खा रहे हैं कचौड़ी, कैसी लगती है बरोसन भाई कचौड़ी? 5 साल से आता हूँ उनके पास। जब से स्टार्ट किए इन्होंने तब से खा रहे हो, कैसी लगती है? एक नंबर। कड़ी ज़्यादा अच्छी लगती होगी? कड़ी ज़्यादा अच्छी, मैं दोबारा लेकर आया हूँ कड़ी। अच्छा अच्छा, क्या बात, मैं दोबारा लेता हूँ कड़ी हमेशा तुम्हारा। चलो खाइए खाइए, कितने रुपए की देते हैं भैया? भैया 15 देते हैं। और कड़ी अनलिमिटेड? कड़ी अनलिमिटेड। चलो बढ़िया है, आइए। ये थे रोशन भाई, जिनकी कचौड़ी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है डे बाई डे, और बहुत प्यार मिल रहा है इनको लोगों से। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू लेटर गाइस। राम राम से सभी को, खंबा गणी से राजस्थान, मिलते हैं। और ये भीड़ देख रहे हो पीछे, ये देखो कितनी भीड़ है यार, यहाँ पे भी देखो, इधर देखो, ये लोग बैठे हुए लाइन से। तो ये है प्यार का नतीजा, जब आप करते हो किसी को तो बहुत देते हो।